फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम करेंगे अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेट न्यूज़ एंड बैंकिंग न्यूज़। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस स्टेट न्यूज़। क्वेश्चन नंबर वन इज़, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना? तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस स्कीम के अंदर हिमाचल प्रदेश में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को दिए जाएंगे बॉयल्ड एग्स और फ्रूट्स वंस अ वीक। तो वीक में एक बार उन्हें बॉयल्ड एग्स एंड फ्रूट्स दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू द गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाते हैं, उन्हें न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इसके सीएम कौन है इस टाइम पे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर है इसके शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड गोएम विनेमुलाई विच येजवन स्कीम टू इंक्रीज सोलर रूफटॉप पोटेंशियल? तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गोवा। गोयम विनियमुलु विच जेवन स्कीम इज एन अलाइनमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। एम क्या है? इंक्रीज करना है सोलार रूफटॉप पोटेंशियल और एम्पावर करना है रेजिडेंशियल होम्स को टू जनरेट, वो जनरेट कर सकें अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखें गोवा के सीएम एंड गवर्नर कौन हैं इस टाइम पे? तो इसके सीएम हैं प्रमोद सावंत एंड गवर्नर हैं इसके पीएस श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मैयान सम्मान योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वीमेन? तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, झारखंड ने ये स्कीम लॉन्च की है। एम क्या है इसका? एम्पावर करना है वीमेन को बाय मेकिंग देम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। और इसका एम क्या है? इम्प्रूव करना है लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ वीमेन बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो उन्हें मदद की जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, उन्हें लेवल ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव किया जाएगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर काम किया जाएगा वीमेन की। ठीक है, बात करें झारखंड की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है 15 नवंबर 2000, कैपिटल रांची, सीएम हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष गंगवार। इट इज़ अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, जिसके अंदर एलिजिबल वीमेन बेनिफिशरीज को दिया जाएगा ₹1000 पर मंथ फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट में वो जाया करेगा। ठीक है, पर मंथ ₹1000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाटा ग्रुप अनवेल्स 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन विच स्टेट? तो ये देखने को मिलेगी आपको असम के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस फैसिलिटी इन असम विच इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय नेक्स्ट ईयर, अराउंड 15 बिलियन चिप्स विल बी पैकेज्ड एनुअली फॉर कस्टमर्स ग्लोबली। द चिप्स विच विल बी पैकेज्ड एट द जगीरोड फैसिलिटी इन असम will power electric vehicles, healthcare devices, mobile phones, laptops and other key products of leading global companies around the world. तो ये सब जो ये चिप्स रहेंगी, ये किस किस में काम आएंगी? आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, हेल्थ केयर डिवाइसेस में, मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में और अदर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, विच स्टेट रिसेंटली, अच्छा असम के सी एम एंड गवर्नर की बात करें, तो सी एम है इस टाइम पर इसके हिम्मत बिस्वा शर्मा एंड गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया जो बाय करेगी ऑल क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स एट MSP? तो ये कौन सी स्टेट है जो खरीदेगी MSP पे क्रॉप्स? तो ये है आपकी हरियाणा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हैज़ अनाउंस्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स जो वो खरीदेंगे MSP पे। MSP की फुल फॉर्म अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो है आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये पहली स्टेट बनेगी इंडिया के अंदर जो ये करने जा रही है। ठीक है, हरियाणा के सीएम की बात करें, तो इस टाइम पे हरियाणा के सीएम हैं आपके नायब सिंह सैनी और वहाँ के गवर्नर कौन है हरियाणा में? बंदारू दत्तात्रेय।
Which of the following sanctuaries located in the Karnataka has been declared as a peacock sanctuary? तो कौन सी सेंचुरी को नाम दिया गया है एज अ पीकॉक सेंचुरी? तो ये दिया गया है आदि चुचिंगरी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इसे एंड चूलानूर इन केरला एज अ पीकॉक सेंचुरी। ठीक है। द मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑल्सो सेटअप ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर फॉर पीकॉक्स। ठीक है। तो उन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वहाँ पे सेटअप किए हैं ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर्स। ठीक है। कर्नाटक के सीएम है इस टाइम पे सिद्धरमैया एंड गवर्नर है थावरचंद गहलोत। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड उपस्थिति पोर्टल फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज? तो कौन सी स्टेट ने किया है इसे लॉन्च? तो ये किया है झारखंड ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। It will help in recording the daily attendance of all doctors, paramedical workers, contract workers and other workers working under the health department. Next question is, which state government has joined hands with UNICEF to promote father's role in encouraging breastfeeding? तो कौन सी स्टेट ने किया है इसे? तो ये किया है वेस्ट बंगाल ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। As part of the initiative, workers जो हैं आपकी आंगनवाड़ीज में have begun to discuss the benefits of breastfeeding with fathers of the newborn and other family members. UNICEF की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है United Nations Children Fund। इसका फॉर्मेशन हुआ है 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यूयॉर्क के अंदर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके कैथरीन एम रूजल। बात करें वेस्ट बंगाल की CM तो वो हैं ममता बनर्जी। गवर्नर हैं डॉक्टर CV अनंत बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो इसका टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो इसका नाम है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व। सेकेंड टू लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, इसका एरिया रहेगा 2837.15 स्क्वायर किलोमीटर। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। एंड बात करें छत्तीसगढ़ के CM की तो इस टाइम पे छत्तीसगढ़ के CM कौन है? तो वो हैं आपके विष्णु देव साई। ठीक है। एंड गवर्नर हैं रमेन देका। छत्तीसगढ़ करंटली हैज़ 3 टाइगर रिजर्व, अचानकमठ टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदांती सीतानादी टाइगर रिजर्व। तो ये 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हैं एंड 4th टाइगर रिजर्व बना है गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ की बात करें इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1 नवंबर 2000। कैपिटल रायपुर। CM एंड गवर्नर की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाथी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? तो कौन सी स्टेट में इस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये देखने को मिलेगा आपको असम के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? रिड्यूस करना है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को असम के अंदर एंड सराउंडिंग स्टेट्स के अंदर। ऐप को इनोग्रेट किया है नंदिता गोरलोसा ने, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर पावर स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर हैं ये। बात करें असम की तो इसके CM है हिम्मत बिस्वा शर्मा एंड इसके गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू से जय हिंद इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग इन स्कूल्स इन August 2024 विद एन एम टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म अमंग स्टूडेंट्स? तो कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है जय हिंद बोलना स्कूल के अंदर गुड मॉर्निंग की जगह? तो ये किया है हरियाणा ने। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। इस मूव का इनिशिएट किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। एम करना है इंस्टिल अ डीप सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड अमंग स्टूडेंट्स। हरियाणा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1 नवंबर 1966। कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। CM है नायब सिंह सैनी। गवर्नर है इसके बंदारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ कारगिल पैकेज फॉर फैमिलीज ऑफ मार्टायर अग्निवीर्स? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। द विडो ऑफ मार्टायर अग्निवीर, उनको दिए जाएंगे ₹25 लाख कैश, लैंड और MIG हाउस, गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन,
एफटी दी जाएगी ₹5 लाख फॉर पेरेंट्स एंड फ्री ट्रैवल फैसिलिटीज दी जाएंगी। इफ एन अग्निवीर बिकम परमानेंटली डिसेबल तो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाएंगी फैसिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा बात करें राजस्थान के सीएम की, तो इस टाइम पे राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर हैं हरी भाऊ किशन राव बागदे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू अडोल्सेंट गर्ल्स टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स, तो कौन सी स्टेट ने किया है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अंडर द सैनिटेशन एंड हाइजीन स्कीम एन अमाउंट ऑफ ₹300 ट्रांसफ़र की जाएगी हर गर्ल स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर फॉर 1 ईयर। इन सम स्टेट्स लाइक कर्नाटका राजस्थान दिल्ली फ्री सैनिटरी नैपकिन्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स बट कैश इज़ बीइंग गिवन ओनली इन मध्य प्रदेश। कर्नाटका राजस्थान दिल्ली के अंदर फ्री सैनिटरी नैपकिन्स तो प्रोवाइड करवाए जाते हैं लेकिन जो कैश दिया जाएगा वो मध्य प्रदेश के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, बात करें मध्य प्रदेश के सीएम की तो वो हैं मोहन यादव, गवर्नर हैं यहाँ के मंगू भाई चंगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स मठ्स एंड ट्रस्ट, तो कौन सी स्टेट ने किया है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी बिहार। बिहार गवर्नमेंट डायरेक्टेड ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इन द स्टेट टू इंश्योर दैट बॉडीज आर रजिस्टर्ड एंड डिटेल ऑफ देयर इमूवेबल एसेट्स आर सबमिटेड टू द बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट सून। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विच स्टेट विल ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बाय सितंबर, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम है इसके मोहन चरण मांझी, इन्होंने रिप्लेस किया है नवीन पटनायक को। डेप्यूटी सीएम है इसके केवी सिंघेदियो एंड प्रावती परिदा, गवर्नर है रघुबर दास, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं 147। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना ऑन द ओकेजन ऑफ 78th इंडिपेंडेंस डे, तो ये किसने किया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। बूस्ट करना है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर द स्टेट्स यूथ, इस योजना के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने सेट किया है टारगेट, इस्टेब्लिश करेंगे 10 लाख न्यू MSMEs दैट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द स्टेट। यूपी के सीएम कौन है, आदित्यनाथ योगी एंड यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा आपको ई व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस कौन सी स्टेट में देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलेंगे कर्नाटका में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 5765 PEVCs इन कर्नाटका ऑफ विच 4462 बेंगलुरु के अंदर हैं। कर्नाटका पहली स्टेट है जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ईवी पॉलिसी इन 2017। ठीक है, बात करें कर्नाटका के सीएम की तो कर्नाटका के सीएम हैं सिद्धरमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच विलेज हैज़ बीन इनोग्रेटेड एज द फर्स्ट सोलर विलेज इन महाराष्ट्र, तो कौन सी है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए मन्याचिवाड़ी। सीएम ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने इनोग्रेट की है ये पहली सोलर विलेज इन द स्टेट। इट इज़ एन इनिशिएटिव, एम क्या है, प्रोवाइड करवाएंगे 100% सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी टू 100 विलेजेस को, ये 100% सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया है सुभद्रा स्कीम, तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, तो इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा के द्वारा, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने लॉन्च की है सुभद्रा स्कीम, इस स्कीम के अंदर 50,000 प्रोवाइड करवाए जाएंगे ओवर 5 ईयर्स टू 1 करोड़ वीमेंस जिनकी एज है 21 से 60 के बीच में। सुभद्रा ट्रांसफॉर्म करेगा लाइफ्स ऑफ मोर देन 1 करोड़ वीमेन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरहम प्रोग्राम टू प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट इन अगस्त 2024, तो ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, पंजाब स्टेट के द्वारा, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर ने ऑफिशियली इनोग्रेट किया है अरहम प्रोग्राम।
ठीक है, इसका एम क्या है, एलिवेट करना है स्टैंडर्ड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइडेड इन दीज सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा पंजाब के सीएम कौन है इस टाइम पे, तो वो हैं आपके भगवंत मान। एंड बात करें गवर्नर की, तो इस टाइम पे हैं गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इनोग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल कोर्ट टू हैंडल चेक बाउंस केसेस, तो कौन सी स्टेट ने किया है, तो ये है आपका केरला। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओपन इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल कोर्ट जो कि 24/7 ऑन कोर्ट है इन कॉलम टू हैंडल इशूज़ इन्वॉल्विंग बाउंस चेक्स। ठीक है, बात करें केरला के आपके सीएम की, तो केरला के सीएम हैं इस टाइम पे पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। विच स्टेट गवर्नमेंट विल इस्टेब्लिश अ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी नेक्स्ट अकेडमिक ईयर, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी अनाउंस्ड किया है उन्होंने ये, एम क्या है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी विल टू प्रोड्यूस स्पोर्ट पीपल हु कैन, ताकि वो ओलंपिक मेडल्स और ला सकें देश के लिए। ठीक है, तेलंगाना के सीएम कौन है, तो इनके सीएम हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। सीएम सुख शिक्षा योजना वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, तो कौन सी स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश ने। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करवाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको, सोशली और जो इकोनॉमिकली वीकर वीमेन और पेरेंट्स को, डिसेबल चिल्ड्रन के पेरेंट्स को, ताकि वो उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज़, तो कौन सी स्टेट है ये, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये इफ़ेक्टिव होगी मार्च 2025 से। UPS विल ऑफर 50% ऑफ एन एम्प्लॉयज़ एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 12 मंथ्स एज अ पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा महाराष्ट्र के इस टाइम पे सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे, और गवर्नर है CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन असम, तो फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिली है असम के अंदर, मिथुन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एज़ पर द लास्ट लाइफ स्टॉक सेंसस जो कंडक्ट किया गया था 2019 में, देयर वर 386,311 मिथुन्स इन द कंट्री। मिथुन स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का एंड नागालैंड का, और ये मिजोरम और मणिपुर के कुछ पार्ट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, समनाथन टैंक इज टू बी कन्वर्टेड इनटू बर्ड सेंचुरी, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये कौन सी स्टेट में है, तो ये देखने को मिलेगा आपको तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फॉलोइंग मदुराई नेचर कल्चरल फाउंडेशन ने रिकमेंडेशंस दी हैं, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल कन्वर्ट द समनाथन टैंक इन मदुराई डिस्ट्रिक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ बर्ड सेंचुरी। समनाथम टैंक डॉक्यूमेंटेड 300 रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ पे आपको 300 रेयर स्पीशीज बर्ड्स की देखने को मिलेंगी। तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन, गवर्नर है यहाँ के R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश विधानसभा रिसेंटली पास्ड एन अमेंडमेंट टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल, वट इज़ द न्यू मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स अंडर दिस अमेंडमेंट, तो जो न्यू एज आई है मैरिजेबल एज वो है अब 21। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करवाई जाएगी जेंडर इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग हायर एजुकेशन। बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर धनीराम शांडिल के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ श्री कृष्णा गमन पाथ रिलीजियस सर्किट, तो कौन सी स्टेट ने किया है ये, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। न्यू सर्किट विल बी बिल्ट कनेक्ट करेंगे प्लेसेस जहाँ पे वेयर कृष्णा लेफ्ट हिज फुटप्रिंट्स वाइल ट्रैवलिंग, जहाँ पे कृष्णा जी के फुटप्रिंट्स हैं जब वो ट्रैवल कर रहे थे उज्जैन से टू उज्जैन फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस इन मथुरा, मथुरा से जब उज्जैन जा रहे थे, तो जहाँ जहाँ भी फुटप्रिंट्स हैं उन प्लेसेस को वो करेंगे। ठीक है,
बोथ गवर्नमेंट विल वर्क जॉइंटली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सर्कल, और इस सर्कल को बनाने के लिए जो बोथ गवर्नमेंट्स हैं वो जॉइंटली काम करेंगी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की इज द चिंतपूर्णी टेम्पल लोकेटेड, जहाँ पे चिंतपूर्णी टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा आपको ऊना में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 डे चिंतपूर्णी फेस्टिवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एट माता चिंतपूर्णी श्राइन इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। माता चिंतपूर्णी देवी इज़ वन ऑफ द मैनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सुप्रीम गॉडेस दुर्गा। अब हम कुछ देखते हैं बैंकिंग न्यूज़। RBI of India has decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.50% for 6.50 इस टाइम पे आपका रेपो रेट चल रहा है, और कितने टाइम से यही रेपो रेट चल रहा है इसमें यह पूछा गया है, तो ये अभी चल रहा है आपका 9th टाइम, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। RBI करंट पॉलिसी रेट्स देखते हैं तो रेपो रेट है 6.5%, STF है 6.25, MSF है 6.75, बैंक रेट चल रहा है 6.75, रिवर्स रेपो रेट है 3.35, CRR चल रहा है 4.5 एंड SLR चल रहा है आपका 18%। कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है अग्नि सेविंग अकाउंट फॉर वीमेन कस्टमर्स, तो ये किसने किया है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी बंधन बैंक। बात करें बंधन बैंक की, इसे फाउंड किया गया है 2001 में, हेडक्वार्टर्स हैं इसके कोलकाता में, MD एंड CEO हैं इसके रतन कुमार केश, इंटरिम मतलब टेम्प्ररी हैं, चेयरपर्सन है इसके अनूप कुमार सिन्हा, टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। विच बैंक रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू सेट अप अ यूनिट टू अंडरटेक द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो ये किसे मिला है इंडस, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। बात करें इंडस बैंक की, तो इसे फाउंड किया गया है 1994, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, MD है इसके सुमंत कतपालिया, टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फीचर कॉल्ड UPI सर्कल ऑन इट्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म, तो ये किसने किया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी NPCI ने, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दिस फीचर अलाउज प्राइमरी UPI अकाउंट होल्डर्स टू सिक्योरली डेलीगेट पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ट्रस्टेड सेकेंडरी यूजर्स। कौन से बैंक ने लॉन्च की है विजय फिक्स डिपॉजिट प्लान, तो ये लॉन्च किया गया है RRL के द्वारा, RBL के द्वारा, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। दिस लिमिटेड पीरियड ऑफर पेज ट्रिब्यूट टू द करेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ आर ब्रेव सोल्जर्स वाइल प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल फाइनेंशियल बेनिफिट्स, तो इन्हें एक्सेप्शनल फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है प्रेमिस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद वीज़ा, तो ये किया है एक्सिस बैंक ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रेमिस जो है ये इंडिया का इज़ द फर्स्ट इन इंडिया जो प्रोवाइड करवाएगा एक्सेस ग्लोबली अक्लेम्ड बीस्पोक प्रिविलेजेस अंडर द वीज़ा इन फाइट प्रिविलेज ऑफरिंग। एक्सिस बैंक को फाउंड किया गया है 3 दिसंबर 1993 में, हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई महाराष्ट्र में, MD हैं इसके अमिताभ चौधरी। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स, तो जो कस्टमर्स विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए कौन सा डेबिट कार्ड है अनंत दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड, कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है, तो ये किया है PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। एम क्या है, इन्हांस करवाएंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड कन्वीनियंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, इम्पावर करेंगे उन्हें ताकि वो खुद से अपने मैनेज कर सकें फाइनेंस को विद ग्रेटर ईज एंड कॉन्फिडेंस। हु विल रिलीज द न्यू रिपोर्ट बी रेडी इन प्लेस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इन द ईयर 2024, तो कौन रिलीज करेगा ये रिपोर्ट, तो ये करता है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बी रेडी रिपोर्ट 10 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेगा इन द लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस सच एज बिजनेस एंट्री, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैक्सेशन। वर्ल्ड बैंक की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका July 7, 1944, हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC, चेयरपर्सन है इसके अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज़ इमर्ज्ड एज
India's most attractive employer brand according to the finding of Randstad Employer Brand Research 2024. तो ये है आपकी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सेकंड पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे हम TCS बोलते हैं, एंड थर्ड पे है अमेजोन. विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये किया गया है किसे, फर्स्ट टाइम आया है आपका HDFC बैंक. RIL मेंटेन्ड इट्स स्टेटस एज द टॉप रैंक इंडियन कंपनी इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट 500 लिस्ट. अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट जो आई है फर्स्ट पोजीशन पे ऑन द लिस्ट, और ये पिछले 11 ईयर से फर्स्ट पोजीशन पे चल रही है. विच फाइनेंशियल रेगुलेटर हैज़ रिसेंटली लॉन्च द सेवा चैटबॉट. तो इसे किया है सेबी ने लॉन्च, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. सेवा चैटबॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड चैटबॉट है जो आंसर करेगा सर्टेन इन्वेस्टर क्वेश्चंस को. सेबी की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 12 अप्रैल 1988, हेडक्वार्टर्स है मुंबई, चेयरमैन है इसकी मधाबी पूरी बुद्ध, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी राम मोहन राव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज IIT मद्रास हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च अ साइबर सिक्योरिटी लैब. तो ये किया है इन्होंने IDBI बैंक के साथ. एम क्या है, डेवलप करना है, डिप्लॉय करना है सिक्योरिटी सोल्यूशन इन क्रूशियल सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, फिनटेक, एरोस्पेस एंड अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ गोल्डन सर्कल एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स. तो ये किया है DBS बैंक ने, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी. बात करें DBS की, फाउंड किया गया है 1968 में, हेडक्वार्टर्स हैं इसके सिंगापुर में, चेयरपर्सन है इसकी पीटर से, CEO हैं इसके पीयूष गुप्ता, DBS बैंक इंडिया CEO हैं सुरोजित शोम, ठीक है. और DBS की फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर. तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन.